नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा आज आपको सलवार बताने जा रही हूँ। ये 2.5 मीटर की सलवार बताऊंगी अब आपको किस प्रकार से 2.5 मीटर में हम बढ़िया सलवार बना सकते हैं। और इसमें सबसे पहले ये मेरी जो सलवार की लंबाई है ये 39 इंच है, 36 इंच है। इसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नेफा मोड़ने के लिए और बेल्ट में जो सिलाई जाएगी उसके लिए। तो 39, 40, 41, 42 तो हमारी टोटल लंबाई कितनी होगी? 42। ये हमारी टोटल लंबाई 42 होगी। तो 42 में से हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो मैंने कपड़ा जो है इस तरीके से बिछाया है। ये फोल्ड है किनारी से किनारी जोड़ करके, इस प्रकार से मैंने इसको बिछाया हुआ है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसके कुंदे निकालेंगे या पार्ट निकालेंगे, जिसको बीच में पोंछा भी बोल देते हैं हम, पार्ट भी बोल देते हैं। तो इस प्रकार देखिए 8 इंच मैंने ऊपर छोड़ दिया। 8 इंच छोड़ने के बाद मेरी सलवार की जो लंबाई है वो 42 इंच है। तो ये मैंने 42 इंच पे निशान लगा दिया और इधर से भी 8 इंच छोड़ करके मैंने 42 इंच पे निशान लगा। इसको बिल्कुल ऐसे स्केल से जो है हम इसको सीधा कर देंगे इस प्रकार से। देखिए एक लाइन लगा देंगे और इसको हम काट लेंगे। ये हम सलवार के पोंछे निकाल रहे हैं या हम इसको पार्ट भी कह देते हैं। इस प्रकार से हमने इस कपड़े को बिल्कुल अलग निकाल लिया। ये देखिए अलग निकालने के बाद सबसे पहले इसको ध्यान से देखना। ये देखिए ये मैंने अलग निकाल लिया। अब इसमें से मुझे सलवार के पार्ट निकालने हैं, तो मैं पार्ट की जो चौड़ाई है वो इस प्रकार से लेती हूँ कि इधर से मैं 8 इंच छोड़ दूँ, ये मेरी बेल्ट आ जाएगी और ये जितना कपड़ा बचेगा, देखिए 12 इंच कपड़ा बचता है, तो मैं ये 12 इंच के इसमें मैं पार्ट निकाल दूँ इस प्रकार से। आप इसको 14 इंच भी निकाल सकते हैं, आप 13 इंच भी निकाल सकते हैं, आप इसको 16 इंच का भी बना सकते हैं। मतलब आपकी इच्छा है कि आप इसको कितना चौड़ा रखते हैं। तो मैंने इसको देखो 6 इंच रखा है और 8 इंच मैं इसको यहाँ से बचा लूँगी। इस प्रकार से इसको हम ऐसे काट देंगे। ये देखिए ये मैंने जो है इसकी बेल्ट निकाली है, बेल्ट ये मैंने बेल्ट का कपड़ा निकाला है और ये जो है मैंने सलवार के पार्ट निकाले हैं, ये सलवार के पार्ट है। और कई बार क्या होता है कि कपड़े के ना किनारे खींची हुई होती है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, किनारे को पहले अलग कर देंगे ताकि कपड़ा सिलने में आसानी रहे। इसमें किनारी खिंची हुई नहीं है इसलिए मैंने किनारी इसी में छोड़ दी। अब देखिए ये मैंने पार्ट निकालने के बाद ये मेरा इतना सा कपड़ा बच गया है, ये देखिए इतना कपड़ा बच गया। उसके बाद मैंने फिर इस कपड़े को चौड़ाई में ही मोड़ा है। देखिए ये इस प्रकार मैंने इसको चौड़ाई में फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद इस पार्ट को हम इस प्रकार से रख लेंगे। देखिए इस तरीके से इसको सलवार को और इस पार्ट को इस तरह से रख लेंगे। ये हमारी कली बनेंगी, ये हमारे पार्ट हैं कपड़े के। और इसको बिल्कुल इस तरह से बिछा लो, बिल्कुल अच्छे से इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ से जो है सलवार के हम पोंछे लेंगे। मैंने इस सलवार में 7, 6.5 इंच के चौड़ाई रखनी है, तो मैं यहाँ 7 लूंगी क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच का मैं मार्जिन रखूंगी इस प्रकार। देखिए ये मैंने 8.5 इंच लिया है, 6.5 मैं रखूंगी तैयार, आधा इंच सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच का मैंने इसमें मार्जिन रख दिया। अब यहाँ 8 इंच कम करके और इसका जो आसन है मैं इसमें
वही 17 इंच लूँ, 17 इंच आसन लूँगी, तैयार जो है वो 15 इंच आ जाएगा इस प्रकार से। ये देखिए 9 इंच, और इधर यहाँ से 2 इंच अंदर की तरफ ले करके, और इसको हम इस प्रकार मिलाएंगे। ये देखिए इस प्रकार मिलाएंगे इस तरीके से, या इसमें हम सेफर पट्टी का भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम सेफर पट्टी को ऐसे रखेंगे, ये देखिए इस प्रकार से ऐसे, और इसको इस तरह से गोलाई मिला देंगे, थोड़ा सा सिलाई में जाएगा। तो ये देखिए ये इस तरह से हमारी सलवार जो है, ये देखिए 26 इंच का घेरा इसमें तैयार रहेगा। 26 अगर हम खोल लेंगे तो 52 इंच का घेरा हमारे पास आ जाएगा, और इसको हम इस तरीके से काट देंगे। ये देखिए इस तरीके से काटेंगे, और ये हमारा सिलाई का हो जाएगा। अब इसके बाद ये दो कली हैं, दो कली और लेने के लिए हम इसको थोड़ा सा कपड़े को आगे फैला लेंगे इस तरीके से। फैलाने के बाद हम इसको इस तरीके से रखेंगे, ये देखिए यहाँ पर मिलाएंगे, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे मिला लेंगे इस तरीके से, जहाँ पर ये सेट होता है इसको इसके ऊपर रखेंगे, और इसको इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से रखने के बाद फिर इसको यहाँ से किसी शेप में काट देंगे। ये देखो इस तरीके से, जब आप इस प्रकार से सलवार काटोगे तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है सलवार की इस प्रकार, और यहाँ से काट देंगे इस प्रकार। इस ये जो कपड़ा है इसमें हम बेल्ट भी लगा सकते थे, अगर जब ज्यादा हैवी सलवार आपको चाहिए तो जहाँ मैंने पार्ट के साइड से बेल्ट निकाली है उसमें उस बेल्ट को ना निकालें, तो सलवार जो है और हैवी हो जाएगी। वो आपकी इच्छा है कि आपको कितनी हैवी सलवार चाहिए। तो इस प्रकार से इसके यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे, और ये 4 पीस हमारे पास बन गए, यानी कि 4 कली। इसको ज़्यादा हैवी करने के लिए हम इसको और भी हैवी कर सकते थे, लेकिन ये मैंने इतनी ही हैवी सलवार चाहिए थी। ये देखिए इस प्रकार से आपकी सलवार कट करके तैयार होगी। ये 4, 2, 3, 4 हमारे पास कली हैं, और 2 हमारे पास ये सलवार के पार्ट हैं, इनको हम पोंछा भी कह सकते हैं। और ये इस प्रकार से ये तैयार होगी। अब बेल्ट के लिए इस प्रकार से हमने ये कपड़ा है, ये देखिए मैंने बेल्ट पहले से ही बना करके तैयार कर रखी थी, जो हमने साइड से कपड़ा निकाला था ये हमारी वो बेल्ट है। इसमें मेरे को 26 इंच की बेल्ट चाहिए, 25 इंच तैयार, तो ये 26 इंच है। इस 26 इंच को मैं इस प्रकार से काट लूँगी, और ये देखिए 8 इंच की इसकी चौड़ाई है, मैंने 8 इंच लिया था। इसको हम इस प्रकार से काट देंगे इस प्रकार से, और इसको बीच में से कटिंग कर देंगे ऐसे इस प्रकार से। तो ये बेल्ट आप ये राउंड में आपकी बेल्ट तैयार हो गई है। इसमें हम क्या करेंगे, मैंने पहले एक सलवार बनाई थी उसमें मैंने कली में थोड़ा सा तिरछा दिया था, इसमें मैं क्या देखो पार्ट में भी हम उसको तिरछा कर सकते हैं। ये 1 इंच
लेकर के, ये फ्रंट हिस्सा है, फ्रंट की साइड से 1 इंच लेकर के और इसको 8 से 10 इंच तक की दूरी में इस प्रकार तिरछा मिला दें। ऐसा करने से क्या होगा कि जब हम प्लेट डालते हैं सलवार के अंदर, तो सलवार की प्लीट जो है एक जगह इकट्ठी होने से साइड में नीचे की तरफ झुकाव हो जाता है और सलवार जो है वो लटकती है। तो ऐसे करने से जो है हमारी सलवार जो है वो बिल्कुल भी नहीं लटकेगी, इसलिए इसको मैंने बेल्ट में कम कर दिया। पहली सलवार जब मैंने बनाई थी तो उसमें मैंने कली में ही कम करके दिखाया था, तो आप चाहे कली में कम कर लें या बेल्ट में कम कर लें, तो ये आपकी सलवार जो है बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। धन्यवाद।